बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती। ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे। खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरी अम्मा बूढ़ी थी तो उनका मैदा कमजोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफा मेरे ऊपर कर देती थी। हजरत इब्ने जौजी अलैहि रहमा ने इसको लिखा है, फरमाते मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूं अपनी माँ। एक दिन मैं हजरत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हजरत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीजा है, मुझे आवाज देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज देती है तो मैं अम्मा को उठाता हूं। अभी मैं बैतुल खिला तक वॉशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती। हजरत उमर से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा में पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। हजरत अबू हुरैरा कहते जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे हजरत साहब जो भी मैं आना ना तुम मेरी ही गल छेड़ देते हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी ही होती है। मैंने कहा नहीं यार, जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है। हमें लगता है कि मेरी हो रही है हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती। सुन ले और याद रख ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। हजरत फारूक आजम से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब